और देश का 75वां गणतंत्र दिवस इस बार कई मायनों में खास है। इस साल कर्तव्य पथ पर परेड और झांकियों में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा दिखाई दी है। सुबह 10:30 बजे परेड शुरू हुई तो 100 महिलाओं ने शंख और नगाड़ा बजाकर इसका आगाज किया। ये गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसके अलावा परेड में पहली बार तीनों सेनाओं की ओर से ऑल विमेन मार्चिंग कंटिजेंट शामिल हुआ है। इसमें तीनों सेनाओं की 60 महिलाएं शामिल हुई। स्थाई सर्विस टुकड़ी का नेतृत्व भारतीय सेना की कैप्टन शरण्या राव ने की।